माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव विष्णुदेव बाबू, इस सर्वांगीण सभा में उपस्थित बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव, पूर्व सांसद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जननेता सम्मानित शत्रुघ्न बाबू, सर्वांगीण सभा में उपस्थित खगड़िया जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सीताराम बाबू एवं इस सर्वांगीण सभा में आए हुए तमाम माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतागण, सर्वांगीण सभा में उपस्थित सम्मानित शिक्षकगण, नौजवान मित्रों, आज हम वैसे महान आत्मा के सर्वांगीण सभा में इकट्ठा हुए हैं। उनका एक खगड़िया जिला के अंतर गौरवशाली इतिहास रहा। अभी हमारे बुजुर्ग चर्चा कर रहे थे, एक शिक्षक के रूप में विभूति बाबू के बारे में, सिर्फ वो भाषण भी नहीं देते थे, हम लोग तो बहुत बार उनके संपर्क में आए। जब हमारा पार्टी जिला कार्यालय जोगिंद्र भवन में प्रगतिशील लेखक संघ का जिला कार्यालय का उद्घाटन समारोह के अवसर पर जिस ढंग से प्रगतिशील लेखक संघ के कार्यालय को सजाने और संवारने का काम और खगड़िया जिला के अंदर बुद्धिजीवियों को एक एक कर जोड़ने का काम किए, लग रहा था सही माने में जो हमारा मृत प्राय हमारे जिले के अंदर प्रगतिशील लेखक संघ का जो संगठन था वो मृत प्राय था, कहीं कोई चर्चा नहीं होती थी। लेकिन जब लगातार अपने प्रयास से कार्यालय से लेकर यहां तक कि खगड़िया जिला में आज तक प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से कोई पत्रिका भी नहीं करता था, विभूतिदा के प्रयास से खगड़िया जिला में प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम से आवाम पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने करवाया। और उसके बाद उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, वो दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते थे। जब बैठक होती थी जो नहीं आते थे, उसमें अध्यक्ष थे, उसमें सचिव थे विश्वनाथ भाव, वो थोड़ा सा जिस ढंग से चलते थे उसके हिसाब से वो थोड़ा पीछे चलते थे, उनके ऊपर दबाव देकर अगर हम और आप अगर मनस्क ढंग से काम संगठन का नहीं करेंगे तो संगठन टूट जाएगा, संगठन पीछे हो जाएगा। और लगातार हर जगह जैसो काफी बुलंदी के साथ जिस काम को वो करते थे, छूते थे, ईमानदारी और वफादारी के साथ उसको निर्वाह करने का भरसक प्रयास करते थे। विभूति दा जब सुनने उस समय हम लोग कॉलेज और स्कूल के लाइफ में थे, एक बार संजोग था सीता चूर यहाँ के एसडीओ थी, और उस समय हम लोग कोसी कॉलेज में इंटर का छात्र थे, और उसी होकर के हम लोग गुजर रहे थे इसी जगह जिसमें अभी एसडीओ बैठते, उसमें कलेक्टर भी बैठते, और इनका जो भाषण हो रहा था, जितने छात्र हम लोग कॉलेज निकले सब विभूति दा के भाषण सुनने के लिए वहां इकट्ठा हो, और एक मजमा, एक बड़ा मजमा खड़ा हो गया था उस जमाने। सही में विभूति दा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो विचारधारा था और हर क्षेत्र में शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए दबे कुचले को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लगातार संघर्ष करने वाले वैसे जांबाज पुरुष साथी विभूति नारायण सिंह को हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की खगड़िया जिला परिषद की ओर से सत सत नमन करना चाहते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षक संघ के पूरे बिहार के क्षेत्र नेता शत्रुघ्न बाबू, जिला के विभिन्न नेता शिक्षक संघ के भाइयों, नौजवान दोस्तों,
मैं सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद की ओर से विभूति दा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिसके नेता थे किंकर जी। उसमें वो काम करते थे, हम लोगों ने उसे मिल के कहा कि ये आपका संघ नहीं है, यह बड़े बड़े लोगों का संघ संगठन, आपका संगठन है बुद्धिजीवी का प्रगतिशील लेखक संघ। और तब उन्होंने उसे रिजाइन करके प्रगतिशील लेखक संघ को जिंदा किया खगड़िया जिला के अंदर। यह प्रगतिशील लेखक संघ का संगठन बनाए थे यहाँ पर कपिल देव बाबू, जो पिपरा हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने शुरू किया था, लेकिन बीच में मृतप्राय हो गया था। विश्वनाथ जी जब आए डीएपी स्कूल के टीचर, उन्होंने उसको पुनर्जीवित किया। और जब विभूति दा का सहयोग उनको मिला, पूरे बिहार के अंदर प्रांतीय नेता भी कहते थे कि प्रगतिशील लेखक संघ का खगड़िया जिला सम्मेलन इस तरह का कभी हुआ ही नहीं है पूरे बिहार के अंदर। ये था एबिलिटी विभूति दा का। इसलिए श्रद्धांजलि सभा में सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जिन बातों की चर्चा की, जिसके लिए लगातार लड़ते रहे, उससे सीख लेने की जरूरत है हम लोगों को। और यही सच्ची श्रद्धांजलि विभूति दा की होगी। और अंत में पुनः मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद की ओर से विभूति दा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।